दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे जंगली जानवरों के नाम बताओ जो बहुत खूंखार और खतरनाक हैं, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले शेर, फिर बाघ, लोमड़ी, भेड़िया और भालू जैसे सबसे खतरनाक जानवरों के नाम याद आ जाएं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि खतरनाक पंछियों के बारे में बताओ, तो यकीनन आप अपना सर खुजाते हुए सोचेंगे कि छोटे से कद वाले प्यारी सी शक्ल के ये पंछी भी खतरनाक हो सकते हैं। है क्या भला ऐसा? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा मुमकिन है और ऐसा है भी। अगर ये पक्षी चाहें तो एक साथ झुंड में रहकर किसी भी इंसानी शरीर के चिथड़े चिथड़े कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर खतरनाक पक्षियों की बात की जाए तो ईगल का नाम सबसे पहले आता है, और इस दुनिया में ईगल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ईगल की 8 ऐसी खतरनाक प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर चाहे तो किसी भी इंसान को अपनी नुकीली चोंच के वार करके एक ही झटके में मौत की नींद सुला सकती है। बात होगी आज की वीडियो में ऐसी ईगल्स की जिन्होंने आसमान पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है, और जिनके रहते हुए कोई दूसरा पक्षी उनकी रेंज के आसपास भी पर नहीं मार सकता। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, गोल्डन ईगल। इस वीडियो में पहले नंबर पर आता है गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल, या जिसे हिंदी में सुनहरा बाज भी कहा जाता है, सुनहरा बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। गोल्डन ईगल एक शिकारी पक्षी है और बाज की प्रजाति में यह काफी बड़े इलाके में पाया जाता है। सुनहरा बाज एक ऐसा शिकारी पक्षी है जो अपनी तेज गति और मजबूत पंजों के बलबूते पर किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। गोल्डन ईगल एक आक्रामक और शक्तिशाली व्यवहार का मालिक है, और इसी वजह से कोई भी जानवर या पक्षी इसके आसपास भी नहीं पहुंचता। गोल्डन ईगल का आकार काफी बड़ा होता है। इसके भूरे रंग यानी गोल्डन कलर की वजह से ही इसे गोल्डन ईगल कहा जाता है। आसमान की गहराई नापने के लिए ये बाज अपने पंखों को 5 से 7 फीट तक फैला सकता है। अपने 2.5 इंच चौड़े मजबूत पंजों की मदद से यह अपने शिकार को आसानी से दबोच सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नर और मादा दोनों सुनहरे बाज पक्षी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। नंबर 2, हार्पी ईगल। बाज प्रजाति का दूसरा सबसे खतरनाक पक्षी अगर कोई है तो वो है हार्पी ईगल, जिसे किंग ऑफ स्काई भी कहा जाता है। हार्पी ईगल्स पनामा के राष्ट्रीय पक्षी हैं, और ये सबसे ज्यादा सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रैन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको हार्पी ईगल के खासियत को बताते हैं। ये ईगल खतरा देखकर 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हार्पी ईगल अपने साइज को 42 इंच तक बड़ा कर सकते हैं, और इनके पंख 7.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। हार्पी ईगल्स का वजन 20 पाउंड यानी लगभग 9 किलो होता है। इनमें मादा हार्पी नर हार्पी की तुलना में 2 गुने वजन की होती है। हार्पी ईगल्स के पंजे भालू के पंजे से भी ज्यादा बड़े होते हैं। इनका आकार लगभग 3 से 4 इंच का होता है। अपने खूंखार पंजों की मदद से हार्पी ईगल्स अपने शिकार को एक ही बार में जकड़ लेता है। हार्पी ईगल में इतनी ताकत होती है कि यह लगभग 8 किलो तक वजन अपने पंजों में दबाकर उड़ सकता है, यानी यह एक इंसानी बच्चे और एक बड़े बंदर को आसानी से दबोचकर उड़ सकता है। नंबर 3, मार्शल ईगल। मार्शल ईगल का नाम हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। यह खूंखार ईगल की प्रजाति का सबसे शांत पक्षी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यह खतरनाक नहीं है। मार्शल ईगल मुख्य रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं। मार्शल ईगल एक एकांत पक्षी है और ज्यादातर अपना समय अकेले में ही बिताना पसंद करते हैं। मार्शल ईगल को ईगल की प्रजाति का सबसे मजबूत बाज माना जाता है, और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये बाज एक इंसान की बांह तक को तोड़ सकता है। ये बाज गजब की नजर रखता है। इनके पास देखने की अविश्वसनीय दृष्टि होती है, जो मनुष्य की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। आपको बता दें कि ये पक्षी दूसरे जानवरों का मांस खाता है। मार्शल ईगल बंदरों, मृगों, मेमनों, घरेलू बकरियों और पानी में रहने वाले पक्षी जैसे सारस, बगुले और गीज आदि का शिकार करके उनका मांस खाता है। ये इतना शक्तिशाली और क्रूर पक्षी है कि इसे आसमान का तेंदुआ भी कहा जाता है। नंबर 4, बेज्ड टेल्ड ईगल। बेज टेल्ड ईगल हमारी इस लिस्ट में 4th नंबर पर है। बेज टेल्ड ईगल में एक विंग स्पैन होता है, जिसकी मदद से ये अपने पंखों को 2.8 मीटर तक फैला सकता है और 1 मीटर तक लंबा खड़ा हो सकता है। ये पक्षी 5 किलो तक वजन उठाने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि मादा वेज टेल्ड ईगल आमतौर पर नर वेज टेल्ड ईगल से बड़ी होती है।
एक व्यस्क वेज टेल ईगल का रंग गहरा भूरा और काला होता है। वहीं एक बच्चे वेज टेल ईगल के सर का रंग लाल भूरा और पंखों का रंग हल्का भूरा होता है। इस ईगल की पूंछ पच्चर के आकार की होती है। वेज टेल ईगल की चोंच क्रीम और हल्के गुलाबी रंग की होती है। इनकी आंखें गहरे भूरे और काले रंग की होती हैं। वेज टेल ईगल 20 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 5, फिलिपाइन ईगल। आसमान की रानी कही जाती है फिलिपाइन ईगल। आज हमारे इस वीडियो में नंबर 5 पर है। चील की यह प्रजाति तेजी से लुप्त हो रही है। बाकी चील से ज्यादा ताकतवर और तेज तर्रार यह ईगल मुख्य रूप से फिलीपींस में पाई जाती है। जिस तरह जंगल का राजा सिर्फ शेर होता है, उसी तरह से आसमान की रानी का खिताब हासिल है इस बाज को। इसका नाम फिलिपाइन ईगल है। दुनिया में ईगल की लगभग 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी ईगल यही है। यह ईगल आकार में 34 से 39 इंच लंबी होती है। वहीं इसका वजन 5 से 8 किलो तक होता है। अपने नुकीले और तेज धार वाले पंजों और तिरछी सख्त चोंच की मदद से यह अपने शिकार को एक ही झटके में लपक लेती है और एक ही वार में फाड़ कर रख देती है। यह ईगल वैसे तो कई जानवरों का शिकार करती है, लेकिन इसे मुख्य रूप से बंदर खाने वाली चील के नाम से भी लोग जानते हैं। नंबर 6, बाल्ड ईगल। नाम से शायद आप धोखा खा जाएं और इसे गंजा चील समझने की भूल कर दें, लेकिन इसका नाम गंजा चील या बाल्ड ईगल इसलिए नहीं है क्योंकि ये गंजा होता है, बल्कि आपको बता दें कि बाल्ड ईगल बिल्कुल भी गंजे नहीं होते। इस ईगल के सर का रंग सफेद होता है, जबकि इसके पूरे शरीर पर गहरे भूरे रंग के पंख होते हैं, इसलिए इन ईगल्स को गंजा ईगल कहा जाता है। इस ईगल के शरीर पर लगभग 7000 पंख होते हैं। वजन में भले ही इन ईगल्स के पंख हल्के होते हैं, लेकिन ये काफी मजबूत हैं। इस ईगल की मादाएं भी नर से बड़ी होती हैं। ये ईगल भी अपने पंखों को 5.5 से 7.5 फीट तक फैला सकते हैं। बाल्ड ईगल की रफ्तार की बात करें तो यह 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह ईगल अपने शिकार को पकड़ने के लिए हवा में गोता लगाते हुए 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ सकता है। नंबर 7, स्टेलर्स सी ईगल। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं स्टेलर्स सी ईगल। ये ईगल विशेष रूप से समुद्री इलाके के पास पाए जाते हैं। एक व्यस्क स्टेलर समुद्री ईगल के शरीर के ज्यादातर हिस्से का रंग गहरा भूरा और पंखों का रंग काला होता है। इस ईगल की पूंछ का आकार नुकीला और रंग में सफेद होता है और इनकी चोंच बड़ी और दिखने में पीले रंग की होती है। इस ईगल के नुकीले पैर जिनका रंग पीला होता है किसी भी जानवर को एक ही बार में धर लेने में काफी हैं। इस ईगल की आंखों का रंग पीला होता है, लेकिन बच्चों के पंख का रंग भूरा होता है और पंख या शरीर पूंछ और चोंच इस ईगल की कुछ पहचान होती है। समुद्र के आसपास रहने की वजह से ये ईगल समुद्री जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 8, अफ्रीकन फिश ईगल। अफ्रीकन फिश ईगल विशेष रूप से अफ्रीका के उन इलाकों में पाई जाती हैं जहां पानी होता है। ये अपना ज्यादातर समय पानी के किनारे बसे पेड़ों की शाखाओं पर बिताते हैं। ये ईगल हमेशा जोड़े में ही रहते हैं और जोड़े में ही शिकार करते हैं। इस ईगल का सिर से लेकर पूरे शरीर की लंबाई लगभग 74 से 84 सेंटीमीटर होती है। अफ्रीकी मछली ईगल के सिर का रंग सफेद, छाती, पूंछ और पीठ होती है। इसके पंख और स्कैपुलर का रंग काला होता है। ये ईगल उड़ान भरने के लिए भारी मछली का शिकार करते हैं। इन पक्षियों को पानी के जीवों का शिकार करना बेहद पसंद है और यही कारण है कि ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई बार पानी में बिना कुछ हलचल किए रहते हैं और जाल बिछाकर शिकार को झपट लेता है। इस ईगल की आवाज अफ्रीका में काफी ज्यादा सुनाई देती है और इसे अफ्रीका की आवाज के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, बाज जैसी ताकत रखने की चाहत हर इंसान को होती है और हर इंसान बाज की तरह अपनी दुनिया में राज करना चाहता है। दोस्तों, बाज और चील को लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं और कई बार लोग बाज और चील में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चील और बाज दोनों अलग अलग होते हैं। जी हाँ, चील और बाज दोनों अलग अलग पक्षी हैं, लेकिन दोनों ही आसमान के राजा हैं और अक्सर आसमान के साम्राज्य पर राजा बनने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों, इन खतरनाक ईगल्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।